अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे और एकदम भले चंगे होंगे। तो जी, यहाँ हो चुकी है मॉर्निंग और आज है जुम्मा, तो आप सबको जुम्मा मुबारक। तो यहाँ जो है मैं अपना नाश्ता तैयार कर रही हूँ, ऑलमोस्ट वो रेडी हो चुका है। तो आज जो है मैंने पराठे नहीं बनाए हैं क्योंकि कुछ हल्का फुल्का खाने को दिल था। तो जो मैंने केक बनाया था 2 दिन पहले, वो मैंने केक बनाया था तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और साथ में जो है मैं लूँगी बाकर खानी, तो बस इसी से हम नाश्ता करेंगे। आज जो है हम पराठे नहीं बना रहे। तो ये देखिए जो केक आपको नज़र आ रहा है, जी हाँ ये वाला, ये मैंने खुद बनाया है। तो इसकी रेसिपी जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो जी चलते हैं अपने नाश्ते की तरफ और करते हैं नाश्ता, आप लोग भी आ जाएं। यार ये तो एक शुरू में बंदा पूछता ही है कि आप कैसे हैं, आपकी तबीयत हाल चाल तो पूछने ही पड़ते हैं। और ये देखेंगे बहुत सालों बाद मैं खा रही हूँ शाही मेवा, ये इमरान लेकर आया है। तो मतलब बचपन की यादें जो है वो ताज़ा हो गई हैं। और यहाँ पर जो है इमरान छोटे छोटे पीसेस कर रहे हैं चिकन के, ये देखिए। और पहले ये मेरे ख्याल में 1 रुपए का होता था, पता नहीं 2 रुपए का होता था, और अब ये 5 रुपए का हो गया। अब सबको जो है जुम्मा बहुत मुबारक हो, आज है जुम्मा और मैं बनाऊंगी कस्टर्ड सवैया। इमरान कहने के खीर नहीं बनाना, खीर मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं कस्टर्ड सवैया बना रही हूँ। और साथ में बनाऊंगी कढ़ाई। चिकन खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, फिश खा रही थी और बिरयानी वगैरह खाई तो चिकन नहीं खाया था। तो आज हम जो है चिकन कढ़ाई बनाएंगे और साथ में बनाएंगे कस्टर्ड सेवइयां। सफाई सफाई मैं कर चुकी हूँ, तो जी जल्दी जल्दी अब मैं करती हूँ अपना काम स्टार्ट। और इमरान की भी तकरीबन चिकन जो है वो कट हो चुकी है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये रेसिपी मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की है, तो मैं फुल ये रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। ये हम बिरयानी वगैरह में यूज़ कर लेते हैं और ये किसी कढ़ाई में डाल लेते हैं, या अगर कोई कबाब वगैरह बनाने हो तो उसमें यूज़ कर लेते हैं। और जी यहाँ पर अब हम बना रहे हैं ऑरेंज जूस। तो आज जी इमरान ने मेरी मजाक उड़ाई है, वो कहते हैं हर बात पे आप यही बोलती रहती हैं, भले चंगे क्या हाल चाल हैं। तो मैं इनसे जो है ना आज नाराज़ हो गई हूँ। तो ऑरेंजेस मैंने छील लिए और साथ में ऑरेंजेस, और साथ में इसको मिक्स करके मैं जूस बनाऊंगी। इमरान को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है, थोड़े से कड़वे होते हैं ये तो। लेकिन हर चीज़ में जो है विटामिन्स हैं, तो हर चीज़ खानी चाहिए पीनी चाहिए और बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमेशा। तो जी इसकी जो स्किन होती है बहुत सख्त होती है, इसको यूँ कट करके और फिर इसकी स्किन उतारती हूँ मैं, ये देखें तो ईजीली उतर जाती है। पता नहीं क्या इसको बोलते हैं, मिठियाँ बोलते हैं, पता नहीं फ्रूटर बोलते हैं, मुझे इनमें फ़र्क पता नहीं चलता। अम्मी ज़्यादातर मुझे लेकर देती हैं, इसमें मुझे बिल्कुल फ़र्क जो है नहीं पता चलता। तो देखें इस तरीके से जो है इजीली वो क्लीन हो जाती है और उसके बाद आप इसकी आराम से स्किन उतार लें। कट करके रख के चले गए और ये मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था क्योंकि सर्दी है, आप नहाना भी समझो जंग करने के बराबर है। बस जल्दी जल्दी जो है मैं यहाँ पर जूस बना लूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी खाना बनाने की तरफ और फिर नहाना भी है, कपड़े भी धोने हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना है मेरा और फिर फ्राइडे भी है तो दिन गुजरते पता ही नहीं चलता। साथ में इसको भी पी के देखते हैं, बहुत मज़े का लगता है। हमें पता नहीं क्या चाय पीने की बीमारी हो गई है, वरना फ्रेश जूसेस जो होते हैं आप मॉर्निंग में पिए तो बहुत अच्छे होते हैं और सेहत के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। लेकिन क्या करें, बचपन से आदत है चाय पीने की तो वो छूटती नहीं है। बस जी अब मैं जूस वगैरह बनाकर फारिग हो गई हूँ, तो साथ साथ जो है बर्तनों की क्लीनिंग भी करती जाऊँगी। अगर आप बर्तन छोड़ दो तो एक पूरा जो है अंबार लग जाता है बर्तनों का और बाद में आपको बहुत परेशानी होती है,
तो बस मैं ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करती, साथ साथ जो है अपना काम करती रहती हूँ। तो यहाँ मेरे बर्तन क्लीन हो गए हैं और मैं चिकन भी जो है वॉश कर रही हूँ, अच्छे तरीके से रगड़ के वॉश करें ताकि इसमें जो खून वगैरह वो ना रहे। मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि बिल्कुल अच्छे से वॉश हो जाए। और अब जो है मेरा किचन तकरीबन साफ़ हो गया है, स्लिप वगैरह मैंने साफ़ कर ली है। तो बस अब ये मशीन रख दूँगी मैं और अपना खाना बनाऊँगी जल्दी जल्दी। और इसमें जो है मैंने ली है सेवइयाँ, और क्या ली है मैंने चीनी, और इसमें लिया है कस्टर्ड। ठीक है, आप दूध में जो है ये वाले चम्मच मैंने डाले हैं इसमें चार, और इसका घोल बना लेंगे और इसको अब हम कस्टर्ड में ऐड करेंगे। दूध जो है मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो चलें अब हम चलते हैं अपने दूध की तरफ। आ जाइए, ये देखिए तो हमारा दूध जो है वो ऑलमोस्ट बॉइल हो चुका है। अब मैं इसमें सेवइयां डाल दूंगी। और उसके बाद जो है हम इसमें चीनी और डालेंगे अपना कस्टर्ड। ठीक है, जब हमारी सेवइयां नरम हो जाएंगी तब हम इसमें ये ऐड करेंगे। तब मैं इसको भी चेक करती रहूंगी, इसको भी देखती रहूंगी। सही है, ऑलमोस्ट जो है ये हमारा सेवइयां नरम हो जाए, इसमें मैं चिकन डाल दूंगी। तो जी इसमें डाल देंगे हम चिकन। तो जी मैं पैन में डाल रही हूँ चिकन और इसको तब तक मैं पकाऊंगी जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। और दूध में अब मैं चीनी ऐड कर दूंगी और इसको थोड़ी देर पका लेंगे, मिला लेंगे अच्छी तरीके से। और ये देखें ये सेवइयाँ नरम हो चुकी हैं, आप इस तरीके से चेक कर लें। और अब इस पॉइंट पे जो है हम इसमें कस्टर्ड डाल देंगे जो हमने कस्टर्ड का घोल बनाया था। अच्छे तरीके से हिलाते हुए इसको मिक्स करें। तो जी अब चिकन में हम डाल देंगे 2 चम्मच प्याज और 2 चम्मच ही हम डालेंगे इसमें टमाटो प्यूरी, और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। अब जब ये थोड़े से फूल जाएंगे तमाम मसाले तो तब इसमें मैं स्पाइसेस डालूंगी। और यहाँ पर जो है हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है कस्टर्ड सेवइयाँ, तो फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। और ये देखें अब इसमें डालूंगी स्पाइसेस। आप स्पाइसेस वही कॉमन स्पाइसेस हैं जो हर हांडी में डलते हैं, हर सब्ज़ी में डलते हैं, तो आप वही तमाम स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। तो जी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ तमाम मसाले। अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे, जब तक ये बन रही है मैं कस्टर्ड सेवइयाँ जो है वो डिश आउट कर लेती हूँ। और ऊपर से जो है आप गार्निश कर लें, यानी पिस्ता या बादाम, जो भी खोपरा नारियल वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल है आप इसको डेकोरेट कर लें। तो जी ये हमारी टन टनाटन तैयार हो गई कस्टर्ड सेवइयाँ, और यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरी चिकन भी जो है वो रेडी हो चुकी है। बस इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और धनिया डाल दूँगी ऊपर से। पानी जो है बस मैं थोड़ा ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। तो जी हमारी दोनों रेसिपीज़ हो चुकी हैं रेडी, तो अब इसको हम कवर कर लेंगे बस। उसके बाद मैं किचन थोड़ा सा समेट लेती हूँ। देखिए क्या हश्र हो गया है किचन का, हमारे चीज़ें ऐसी बिखरी हुई हैं। मैं फटाफट इसको समेटूँ। प्याज दे दी है तो अब मैं जा रही हूँ ये देने, जल्दी से मैं देकर आती हूँ। तो अब मैं तो जी मैं न्याज वगैरह दे करके फारिग हो गई थी और यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ नमाज़। और तकरीबन अभी जो है 2 बज रहे हैं, तो बस मैं नमाज़ पढ़ लूँगी और उसके बाद जो है थोड़ी सी कुरान पाक की तिलावत कर लूँगी। तो ज़िंदगी के काम तो चलते ही रहते हैं दुनियादारी के, तो हमें जो है नमाज़ कुरान पाक को नहीं छोड़ना चाहिए, वो भी पढ़ते रहना चाहिए। ऐसे ना हो आप दुनिया के कामों में मशगूल हों और आखरत के काम जो हैं आपको भूल ही जाएँ। तो आमीन। कुरान पाक की तिलावत जो है मैंने कर ली है, तो अब जो है मैं कुरान पाक को गिलैफ में लपेट कर और रख लूँगी। और अब जो है मुझे भूख भी लग रही है बहुत टाइट वाली, तकरीबन 2:30 हो चुके हैं। तो अब मैं जाऊँगी जल्दी से खाना खाऊँगी, आप लोग भी आ जाएं और खाने को एंजॉय करें। तो अभी मैं खाना खा ही रही थी तो इमरान भी आ गए,
तो बस अब जो है हम कस्टर्ड सेवैयाँ इंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़े की बनी थी, लेकिन इसमें जो है थोड़ा कस्टर्ड ज़्यादा डल गया था मुझसे। तो टाइम क्या हुआ है, टाइम हुआ है 5:30। तो जी मैं 5:30 बजे चाय पी रही हूँ, वक्त हो गया है इजाज़त लेने का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।